देवघर में विद्यमान बाबा बैद्यनाथ धाम का काफी महत्व माना जाता है। बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं और बदले में चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। हिंदू नववर्ष के मौके पर जब बाबा धाम की दान पेटियां खोली गई तो उसमें भारतीय रुपए से लेकर डॉलर और पाउंड तक मिले। पिछले साल की तुलना में विदेशी करेंसी में बड़ी रकम दान के तौर पर मिली है। ये वो दर है जहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। बाबा बैद्यनाथ अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं तो भक्त भी बाबा की चौखट पर अपनी आस्था और भक्ति को प्रकट करने के लिए दिल खोलकर दान करते हैं। वैसे तो कंकड़ कंकड़ में शंकर हैं, वो तीनों लोकों के स्वामी हैं, वो कृपा निधान हैं। यही वजह है कि इस धाम में अमीर भी आते हैं और गरीब भी। जिसकी जो श्रद्धा होती है वो चढ़ावा भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। भारतीय सनातन परंपरा में भक्त और भगवान का अनूठा संबंध है, जहां भक्त भगवान से मांगता भी है और अर्पण भी करता है। यही समर्पण भाव तब दिखा जब बैद्यनाथ धाम की दान पेटी को खोला गया तो उसमें सिर्फ भारतीय रुपए नहीं बल्कि अमेरिकी डॉलर और यूरो जैसी विदेशी मुद्राएं तक निकली। धाम के प्रांगण में मौजूद सभी 18 दान पात्रों को मंदिर प्रशासन की देखरेख में खोला गया, जिनमें 11 लाख से ज्यादा भारतीय मुद्रा, अमेरिकी डॉलर, 50 ब्रिटिश पाउंड, 50 मलेशियाई सेन, 20 यूरो, 600 ग्राम चांदी, 11 ग्राम सोना दान स्वरूप प्राप्त हुआ। दान पत्र खोले थे उसमें अमेरिकन डॉलर थी, यूरो थी, फिर उसके बाद मलेशियन का भी करेंसी थी, नेपाली का भी थी और भी बहुत अलग अलग जगह पे थे। इनको हम लोग जो बैंक के माध्यम से कन्वर्ट करके बैंक में जमा कर देते हैं, हमारे बैंक मंदिर के खाते में। भोलेनाथ के इस धाम में सूरज की किरणों के साथ ही भक्ति और श्रद्धा का रेला उमड़ने लगता है। सचिव में विदेशी मुद्रा को भी उसी हुंडी में डालते हैं और जो इंडियन लोग हैं वो लोग भी डालते हैं। तो दान करने का जो है वो गोलक में ही दिया जाता है और उसका पैसा उठता है। इससे विकास है के लिए ही रखा गया है कि मंदिर का विकास हो। बैद्यनाथ धाम के बारे में मान्यता है यहाँ पर आने वालों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव भक्ति और आस्था का जो सैलाब बाबा के धाम में उमड़ता है वो देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने से भक्तों को यहाँ खींच लाता है। शैलेंद्र मिश्रा, देवघर, गुड न्यूज टुडे।